सो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि आप कौन सा बैंड यूज करते हो, बैंड यूज करते हो या ट्यूब यूज करते हो, दोनों में से बेटर कौन है। सो आज मैं आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ अपना कि मेरे पास क्या क्या है, कौन कौन से ट्यूब हैं और कौन कौन से बैंड हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि रेजिस्टेंस बैंड मेरा पहला कब मैंने परचेज किया था, तो करीब 2017-18 के अराउंड मुझे गोवा ट्रिप पे जाना था और मैं अपना वर्कआउट कर रहा था जिम में, बट मेरे को गोवा ट्रिप पे जाना था और गोवा के लिए बहुत सारे लड़के एक्साइटेड होते हैं कि वहाँ पे यार बीच पे टी शर्ट उतार के घूमनी है। सो वहाँ पर मैंने सोचा यार पंप तो रहेगा नहीं बॉडी में, क्योंकि इतना लंबा ट्रेवल दिल्ली से गोवा जाना और उसके बाद से वहाँ स्टे करना, 4-5 दिन का स्टे था। तो उस केस में मैंने फिर थोड़ा सा रिसर्च किया और अंत में मैंने एक रेजिस्टेंस बैंड खरीदा जो कि था ये डीकैथलॉन का येलो बैंड, जिसमें करीब 25 kg का रेजिस्टेंस मिलता है। और ट्रस्ट में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा पंप आया। इवन कई केसेस में, कई एक्सरसाइजेस में मुझे लगा कि यार बैंड बेटर है रेजिस्टेंस क्रिएट करने में और वेट उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। सारे वर्कआउट में नहीं, कुछ वर्कआउट में बहुत अच्छा करते हैं, लाइक शोल्डर्स में बहुत ही अच्छा पंप आता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए तो यार बेस्ट होते हैं बैंड, बैंड से बहुत अच्छा वर्कआउट आपका हो जाएगा। इवन आप डंबल से उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर सकते अपने ट्राइसेप्स बाइसेप्स और शोल्डर का जितना अच्छा आप बैंड से कर सकते हो। लेग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेग्स का वर्कआउट के लिए आपको ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे डिफरेंट तरह के वेट्स की और बार की, बट तीन एक्सरसाइजेस के लिए तो ये भाई वरदान है। तो एक ये पहला मेरा रेजिस्टेंस बैंड था जो मैंने खरीदा। फिर लॉकडाउन लगा लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने दो अपने बैंड्स और खरीदे। एक तो ये रेड वाला खरीदा था जो कि अगेन डीकैथलॉन से था, जो करीब 45 kg का रेजिस्टेंस देता है, और एक ये ग्रीन वाला जो अगेन करीब 15 kg का रेजिस्टेंस देता है। उसके बाद से एक और मैंने बैंड, मुझे सैंपल मिला था एक कंपनी की तरफ से जिसका नाम था बाहू, ये बैंड वही है 15 kg वाला बाहू का रेजिस्टेंस बैंड, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगेन उसके बाद मैंने कुछ मिनी लूप बैंड्स खरीदे, छोटे वाले ये, सो इनका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मुझे इसकी सीरीज़ बनानी है, इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी है, बट मैंने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं किया है, अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद से मेरे पास है ये 13 pieces वाला बाहू का रेजिस्टेंस ट्यूब, तो इसमें करीब डिफरेंट तरीके के ट्यूब्स हैं, डिफरेंट लोड्स के ट्यूब्स हैं, आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एक कह सकते हो सेट है अगर आप बिगिनर हो या आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हो। थोड़ा सा कॉस्टली है, करीब आपको 1500-1700 के अराउंड में भी आपको ये मिल जाएगा, बट कई सारे वेट आप बना सकते हो उससे, और ये ट्यूब है। सो ये सारे बैंड्स थे, कुछ एक्सेसरीज थी, हैंडल, हुक एंड ये डोर एंकर, ये भी मैंने टाइम के साथ लिया ताकि वर्कआउट को अपने घर पे परफॉर्म कर सकूँ, किसी भी तरह की डिपेंडेंसी की ज़रूरत ना हो। सो ये पूरा ऑल ओवर मेरा सेटअप है, कुछ इस तरह से होम वर्कआउट के लिए आप भी अपना सेटअप तैयार कर सकते हो और बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है यार, इससे ही आप काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। लॉकडाउन के दौरान जब मेरे पास जिम का एक्सेस नहीं था तो मैं यही सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करता था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। जब मैं जिम में दोबारा जिम हिट किया तो मेरे जो स्ट्रेंथ थी कम नहीं हुई, थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली कम होती है टाइम के साथ, क्योंकि आप जब घर पे वर्कआउट करते हो तो उतना रेगुलर भी नहीं होते हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम थी, करीब 1 महीने मुझे लगे और फिर से मेरी जो स्ट्रेंथ थी पुरानी वाली मैं उस पर आ गया था। सो कुछ इस तरह से मेरा सेटअप था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।